तो ये देखो भाई, सिद्धू मूसे वाला पाजी का काइट पड़ी है, कलेक्शन है ये वाली, नॉट 11 वाली पड़ी है भाई। और ये कौन सा साइज, कौन सा भी है भाई, एक बार साइज देखते हैं स्वतंत्र, देखो भाई हैप्पी लोहड़ी। उसके अलावा देखो ये भी सारे पाकिस्तानी डिजाइन होते हैं भाई, पाकिस्तानी, ये सारे पाकिस्तानी। तो भाई अभी एक बारी ना पंजाब का बहुत अमेजिंग कलेक्शन है जो कि सिद्धू मूसे वाला काइट से देखो शुरू हो रहा है, लेजेंड नेवर डाई। तो ये देखो भाई, तो यहाँ पे चलते हैं भाई एक बारी भैया के पास, तो कलेक्शन देखते हैं कुछ पतंगों की। अमृतसर में बहुत ही फेमस होती है गाइस काइट्स, अब हम दिल्ली से देखो हमें इतना आइडिया नहीं है पतंगों का, हमारे यहाँ तो छोटी छोटी पतंगें चलती है, बट अमृतसर में चलती है भाई बहुत ही ह्यूज कलेक्शन। तो पाजी शुरुआत किससे करें दिखाने की, कहाँ से शुरुआत है आपके पास? ₹5 का दर्जन है ये वाली पतंग का, समझ गया। इसमें काफी सारे कलर पड़े हैं, ये शूटिंग है जिसके ज्यादा प्लेन के ज्यादा डिमांड करते हैं, काली होगी लाल होगी, मतलब इसके अंदर डिजाइनिंग नहीं होती इतनी, डिजाइनिंग होती है लेकिन कम होती है, कम होती है। ये देखो भाई, तो काफी सारे डिजाइन पड़े मेरे पास भाई, क्या मतलब कौन सी है ये, कौन कारीगर कौन है इनका? ये रामपुरी है, ये मंजोला है, रामपुरी मंजोला है, सिक्के पे तिल्ले पे बनी है गाइस पूरी, काफी अच्छी पतंग है भाई। तो ये भी यहाँ से मिल जाती है इनके स्टॉक में। दूसरी कौन सी रखी है भाई? रामपुरी। तो डिजाइन काफी है भाई, ये देखो तो काफी सारे डिजाइन रखे हैं भैया के पास, पलटाते रह जाओगे भाई, डिजाइन कभी खत्म नहीं होंगे भैया के पास। ये भैया मैंने मेकिंग कहाँ से है आपकी? रामपुर से। रामपुर की मेकिंग है, रामपुर की मेकिंग है, रामपुर से ये मेकिंग है, ताज ब्रांड की, ताज ब्रांड की। तो भैया ने पूरी गुफा बना रही है, आ जाओ। तो ये है भैया रिंकल काइट, रिंकल काइट शॉप। तो देखो स्टैंड, देखो भैया का एक बारी, देखो ये पोनी है ना, देखो भैया एक बार डिजाइनिंग देख लो भाई यहाँ पे, इसको मुंडी वाला डिजाइन बोलते हैं हमारे दिल्ली में, यहाँ पे क्या होता है पता नहीं भाई, अक्कल बोलते हैं, अक्कल बोलते हैं, अक्कल काफी अच्छी पतंग है। अब तो 10 डिजाइन दे रहा है तुम्हें, 120 रुपए दर्जन दे, 120 रुपए दर्जन। पतंग भी काफी अच्छी है भाई, मतलब एक बार झक मोड़ के देखो तो काफी बढ़िया उड़ने में और स्टेबल रहेगी, मतलब पेच लगाने के लिए ये वाली पतंग अपन लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली ये वाली। तो ये देखते जाओगे तो वैरायटी कभी खत्म नहीं होगी भाई, सारे कलर रखे पड़े हैं। तो पाजी ये वाले भी सब रामपुर वाले हैं? ना ना ना, ये हमारे यहाँ बेसिकली जहाँ बनते हैं। अच्छा, शिले तिले जो बनते हैं, शिले भी तिले में। अच्छा जी, तो यहाँ से सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है आपका इनमें से? सबसे ज्यादा यही बिकता है, मतलब यही वाला पोनी साइज बिकता है, पेज करने के लिए लगा लेते हैं ना। हाँ अच्छा, मतलब पेज लगाने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई पतंग है तो ये वाली है, कोना साइज में यही है, मतलब खैच अच्छी लगती है इस पतंग में बेसिकली, इसलिए यहाँ पे ये वाली साइज है। 180 रुपए दर्जन रखते हैं। और उसके अलावा गाइस देखो काफी सारे ना मतलब बड़े बड़े डिजाइन रखे पड़े भाई, इन पतंगों को क्या बोलते हैं? तीन तवा है। तो ये वाले बिकते हैं उड़ाए? क्या बात है जी, और ये आपको डिजाइन दिखाएंगे भाई, सही बात है जी, पौने के बाद भाई पाजी ने प्रॉमिस करा है डिजाइन ऐसे दिखाऊंगा भाई, देखे नहीं होंगे कहीं पे भी है। चलो जी, ये कौन सा है? तावा डिजाइन है, एक तावा में भाई डिजाइनिंग देख लो एक बारी, ये देखो। तो मैं ये वाली निकालता हूँ भाई, ये देखो एक तावा में काफी सारे डिजाइन है, और एक तावा ना काफी ह्यूज मतलब होता है, देखो ऑलमोस्ट मेरे पूरा का पूरा शरीर कवर हो गया भाई एक तवे के अंदर, तो काफी बड़ा डिजाइन है ये वाला भी। तो भाई अब देखते एक बारी थोड़े सिद्धू मूसे वाला पाजी का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तो थोड़ा ऐसे हो जाए, अरे वाह दिखाते ही हैं, बोलते ही हो गया काम। तो वाला पाजी का काइट पड़ी है, कलेक्शन है ये वाली, नॉट 11 वाली पड़ी है भाई। और ये कौन सा साइज, कौन सा भी है? चार तवे का साइज है। इतने पतंग बड़े बड़े ही उड़ते हैं यहाँ पे है, शौकीन बंदे है भाई सारे के सारे। तो देखो भाई काफी सारे डिजाइन पड़े हैं भाई के पास, बड़ी बड़ी पतंग सब। अभी तो ये चार तावा छह तावा मरते ना, कई कस्टमरों की डिमांड है, मुझे 10 तावा बना के दो, मुझे 10 तावा बना के दो, नहीं बना के देते। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखो डिजाइनिंग तो मतलब पलटते जाओगे काफी सारी मिल जाएगी। ये लूडो वाला डिजाइन है, क्या बात। अरे ये देखो लाडो रानी, ये पड़ा हुआ लाडो रानी है, ये देखो। अरे ये लूडो वाला डिजाइन कौन सा उसका भी है? ये गनु स्काइकिंग का है, गन स्पाइकिंग का है। और ये कौन सा साइज है? ये दो तवा है। ये देखो भाई काफी सारे डिजाइनिंग है इसके अंदर भी। ये 6 तवा बिकता है भाजी? हाँ, कितने का बिकता है? ये 250 का बिकता है, एक पीस 250 रुपए का है। काफी सारे डिजाइनिंग बड़ी है। देखो जी, तो काफी और सबसे ज्यादा हमारे पंजाब में जो कनाडा लगा, हाँ उनके लिए ये वाला डिजाइन है। कनाडा जा, आप भी गए हो कनाडा? हाँ ठीक है, लवर हूँ कनाडा का, पर मैं जाना नहीं चाहता कभी, जाना नहीं चाहते हैं। तो भाई एक बारी साइज देखते हैं इस पतंग का, देखो भाई हैप्पी लोहड़ी 2024, ये कितने की भी है वाली गाइस? ये 350 की है, 350 की है। एक बारी साइज देखिए, 6 तवा। ओ भाई जरा शुक्रिया भाई, भाई मेरी हाइट से ऊंची पतंग है गाइस, एक बारी ये देखो भाई 6 तवे का हैप्पी लोहड़ी लिखा हुआ। तो ये भी आप ही ने बनाई है?
और अगर आपको कुछ यूनिक डिजाइन दिखाऊं तो देखो भाई ये मिल जाएगी, गुड्डी मिल जाएगी, उसके अलावा ये वाली डिजाइनिंग है, ये देखो भाई, तो ये वाली डिजाइनिंग है काफी बढ़िया। ये कहाँ का डिजाइन है भाई? पाकिस्तानी डिजाइन। तो भाई ये देखो, तो ये वाले डिजाइन को बोलते हैं भाई पाकिस्तानी डिजाइन, क्यों भाई बढ़िया उड़ते है। पेज पेज कटते इससे तुमको बोला ना हवा में लगा कर बस ऐसे छोड़ दो, ढील देनी है फिर है, बस ढील देनी तो हो जाता है, भारी पतंग है ना इसलिए काट देते। तो भाई काफी बढ़िया कलेक्शन है, तो ये ना चलते हैं इसको थोड़ा उड़ा के देखते हैं एक आध पतंगों को, ठीक है फटाफट। अब भाई सबसे यूनिक काइट जो मेरे को लगी भाई वो ये वाली लगी, देखो भाई लेजेंड नेवर डाई, काफी बड़ी काइट है और ये इसमें पूरा डिजाइनिंग करी हुई, देखो इन्होंने। अभी अपन लोग पहुंच गए अमृतसर, गोल्डन टेम्पल भाई मोस्ट वेटेड। तो अपन रात को आया भाई के साथ है, तो अभी देख के आते हैं अंदर क्या सीन। तो भाई सबसे पहले चेक करो, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई बिल्कुल भी है, कोहरा बहुत है ना, बहुत ज्यादा है भाई। बताओ फॉग अभी हुई है यहाँ पे या पहले भी? नहीं सुबह से, ये सुबह से हुई है अमृतसर में, इतने दिन में ठंड आई है, ठंड में कभी ऐसा सीन नहीं हुआ जो आज पहली बार हुआ है भाई। मतलब तुम समझ लो मैं आया हूँ ना गाड़ी से, इतना एक्सट्रीम यार। पता क्या सीन है यहाँ ना, शहीदी के दिन चल रहे हैं 21 से लेके 27 तक ना। हाँ, इसमें लंगर वगैरह भी होता है मैंने सुना है 27 तक ना, फिर इसके कारण वो है। उसको कहते हैं शहीदी दिहाड़े। अच्छा, तो वो चल रहा है अभी? है वो चल रहा है, साई तक चलेंगे ऐसे दूध करेंगे। अच्छा भाई, लेकिन नजारा बहुत ही सुंदर है भाई, देखो गुरुद्वारा दिख रहा है बहुत तगड़ा, अंदर जाओ ना गुरुद्वारा दिखेगा भाई। कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है गाइस, इस तरफ देख सकते हो आप। अभी अपन चल रहे हैं एंट्री करने, देखो यहाँ पे भाई अभी अपन लोग एंट्री कर रहे हैं भाई, क्या व्यू है मेरी नजरों का भाई, अभी दिखाता हूँ लोगों को, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, एकदम क्लियर है, देखो भाई क्या व्यू है यार भाई, एक नंबर अल्टीमेट भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। शिट गाइस, जो मैं देख रहा हूँ ना मेरी आंखों से वो भाई एकदम एक नंबर ऑसम चीज है। तो भाई चलते हैं, चलो दर्शन करके आते भाई, भाई आ जाओ दर्शन करके आते भाई एक बार यहाँ पे। जा रहे अपन लोग सीधा होटल भाई, होटल चलते हैं। हाँ भाई ठंड लग रही है, काम करते भाई, थोड़ा ठंड वंड लग रही है, फिर अपन आएंगे भाई दर्शन करने, अपने अंदर दर्शन नहीं करे भाई, तो अपन दोबारे आएंगे एक दो दिन में, कल गोल्डन टेम्पल के ना सामने एक मार्केट है, तो मैं भाई उसमें आया हूँ, सारा सामान मिलता है भाई, तो मेरे को लेना है एक बहुत ही बढ़िया सा कड़ा, तो वो लेने आया भाई, यही मिलेगा ना कड़ा भाई, सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए है ना, तो अपने को ना भाई वो वाला कड़ा लेना, मेरे पे था वो मेरा खो गया भाई, ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा यार वो तब से, देखो भाई ये चीज़ है भाई, यही चाहिए था, यही चाहिए भाई, इसमें एक कलर और, एक कलर और कलर नहीं आया और।